इस वर्ष मेले का आयोजन सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु पूसा द्वारा विकसित कृषि प्रौद्योगिकियों विषय पर किया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तावित कुल 17 विकास लक्ष्यों में से लक्ष्य संख्या 2 जिसमें भुखमरी और कुपोषण की समस्या के उन्मूलन की बात की गई है उनकी प्राप्ति की दिशा में पूसा संस्थान तत्पर है। मुझे यह बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि पूसा संस्थान द्वारा विकसित गेहूँ की किस्मों से देश के कुल गेहूँ उत्पादन का करीब 7 मिलियन टन का योगदान है। पूसा संस्थान द्वारा विकसित बासमती चावल की किस्मों के निर्यात से प्रति वर्ष 28,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का आर्जन होता है। इस संस्थान द्वारा विकसित करोला गुणवत्ता वाली प्रजाति पूसा W-31 देश की पहली उच्च गुणवत्ता वाली किस्म है। संस्थान द्वारा विकसित नीम लेपित यूरिया का प्रयोग इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग अब पूरे देश में हो रहा है जिससे यूरिया की उत्पादकता में 6% की वृद्धि हुई है। वहीं इसकी खपत में करीब 6% की कमी आई है। इस संस्थान के सभी वैज्ञानिक मेरा गांव मेरा गौरव योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 600 गांव से जुड़े हुए हैं और किसानों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के संज्ञान में बात लाना चाहता हूँ कि पूसा परिसर में 100 ऊर्जा द्वारा प्रतिदिन 2 मेगावाट बिजली उत्पादन किया जा रहा है जबकि हमारा प्रतिदिन की खपत बिजली की 7 मेगावाट की है। यानी कि अपनी बिजली की खपत का 30% हिस्सा हम सौर ऊर्जा के माध्यम से पूरा कर रहे हैं और ये सौर ऊर्जा के पैनल जिन पंडाल में हम बैठे हुए हैं और इसके अतिरिक्त जो 4 पैनल हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं जो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक बहुत सराहनीय कदम है। इसको हम और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इस मेले के कुछ मुख्य आकर्षक प्रमोशन आपको अवगत करना चाहता हूँ। मेले में फल फूल सब्जी और रबी फसलों की उन्नत प्रजातियों एवं उनके उत्पादन प्रौद्योगिकियों का जीवन प्रदर्शन किया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सभी संस्थान इसमें भागीदारी ले रहे हैं। उन्नत कृषि यंत्रों बीजों पौधों की प्रदर्शनी एवं बिक्री की व्यवस्था की गई है। किसानों द्वारा स्वयं के उत्पादों का भी प्रदर्शन और बिक्री की जा रही है। किसान गोष्ठी एवं कृषि साहित्य का निःशुल्क वितरण मृदा एवं जल परीक्षण पौधों में लगी बीमारियां कीड़े और रोग की पहचान उसका निदान किसानों को बताया जाएगा और साथ ही साथ किसान भाई और बहनों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की व्यवस्था की गई है जिसमें उनका ब्लड प्रेशर शुगर ECG आँख की जाँच ये सब सारी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। किसान मेले में नवोन्मेषी किसान सम्मेलन का भी आयोजन किया जाएगा और साथ ही साथ एक पुष्प प्रदर्शन का भी आयोजन किया गया है। पूसा कृषि मेले में हर वर्ष प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया जाता है। 5 किसानों को कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए IRI फेलो और 39 किसानों को नवोन्मेषी किसान के रूप में चुना गया है। ये सभी किसान भाई अपना ज्ञान यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनके साथ साझा करेंगे ताकि सब लोग उसका लाभ उठा सके। मैं पुनः परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे सम्मानीय मंत्रीगण एवं सभी विशिष्ट अतिथियों किसान भाइयों बहनों एवं मेला प्रेमियों को मेले में सम्मिलित होकर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए और हमारा उत्साह वर्धन करने के लिए पुनः धन्यवाद देता हूँ और कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
डाउनलोड तरंग ऑनलाइन रेडियो ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। You are listening to Tarang Devotional Online Radio.